आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन से अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु जो है रो करती है, नाव को चलाती है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में और 20 किलोमीटर जाती है कितने आवर में, 2 आवर में, एंड अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग एंड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। हो गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोट और करेंट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को करें कैसे करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो स्पीड आ रहा है किसका आ रहा है, स्पीड ऑफ ए रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ ए करेंट। स्पीड ऑफ ए करेंट का मतलब होता है कि पानी का जो बहाव का जो स्पीड है वो क्या है। करेंट मतलब ये जो पानी का जो बहाव है, जो पानी किस डायरेक्शन में कितने स्पीड से बह रहा है, वही क्या होता है स्पीड ऑफ ए करेंट, कि पानी किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो ये होता है स्पीड ऑफ ए करेंट, यानी समझिए यहाँ पे, हाँ ये हमारा हो गया वाटर है, ये हमारा क्या है एक क्या हो गया एक कोई नदी वगैरह हो गई और इस नदी में एक बोट रो हो रहा है, बोट चल रहा है। तो अगर हम ये समझे कि इस नदी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस नदी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसकी स्पीड को मान लेते हैं y किलोमीटर पर हावर, कि नदी इस डायरेक्शन में y किलोमीटर पर हावर की स्पीड से फ्लो हो रहा है और हमारे पास एक बोट है और समझिए जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर हावर। उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर हावर है। समझ में आया, और चलिए समझते इसी से। अब यहाँ पे आप लोग को दो बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, एक होगा डाउन स्ट्रीम और एक होगा अप स्ट्रीम। एक है डाउन स्ट्रीम और एक क्या है अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है आप लोग ये समझिए। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जब करंट का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन सेम हो जाए, जब करंट का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन क्या हो जाए सेम हो जाए। जैसे समझिए ये करंट हो गया, ये आपका कोई नदी वगैरह हो गया और इसमें एक बोट है, ये इस तरीके से है और इसका डायरेक्शन इधर है और ये है वाई किलोमीटर पर आवर और बोट भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे बोट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे बोला जाएगा कि जो बोट है वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, क्या है वो डाउन स्ट्रीम में, जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। और इस यहाँ पे इस सेकंड फिगर में करंट का डायरेक्शन इस साइड में है और बोट का जस्ट उसके अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे अप स्ट्रीम बोला जाएगा। जब दोनों का डायरेक्शन, बोट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, यानी जो नाव है उसकी डायरेक्शन और जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन, अगर दोनों का सेम हो तो हम लोग क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, अगर दोनों का अपोजिट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो ये जो हमारा फिगर है वो किसका है, डाउन स्ट्रीम। ये किसका फिगर है, डाउन स्ट्रीम का, और ये फिगर है अप स्ट्रीम का, ये फिगर है अप स्ट्रीम और ये फिगर है डाउन स्ट्रीम का। तो इतना ही समझना है कि डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम क्या समझना है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और फिर क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब देखिए, अब आप लोग सोचिए अगर कभी गर्मी वगैरह में आंधी चलती है और जिस डायरेक्शन में आंधी बह रही है अगर आप उसी डायरेक्शन में चलते हैं तो वो आंधी आप पे फोर्स लगाती है और आप बहुत स्पीड से बढ़ने लगते हैं, या फिर आप दौड़ते हुए आइए कोई पीछे से आपको धक्का दे तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। यानी जब आप दौड़ते हुए आएंगे जो आपकी स्पीड होगी और जो कोई धक्का देगा जिस स्पीड से वो आपको फोर्स लगाएगा दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है और फिर आप उस स्पीड से मूव करने लगते हैं। तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों का स्पीड क्या होगा जुड़ जाएगा। जैसे आप समझिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, अब कोई पीछे से आपको पुश कर दे और उसकी जो साइकिल की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी
10 उसकी थी, 5 आपकी थी, दोनों का ऐड हो जाएगा तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब करंट का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन सेम होता है तो जो रिजल्टेंट स्पीड आता है वो जुड़ जाता है। रिजल्टेंट स्पीड क्या होता है, दोनों का सम होता है। और इस केस में जो रिजल्टेंट स्पीड होगा, यानी दोनों का अगर जो रिजल्टेंट स्पीड होगा वो कितना होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, कितना होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे सेकेंड केस को समझिए, अपोजिट डायरेक्शन में आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, कोई आप दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं सामने से सब मैं भी दौड़ते हुए आ रहे हैं, दोनों टकरा जाते हैं। जब टकरा जाएंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दोनों की स्पीड कम होगी ना। और जब स्पीड कम होती है तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, दोनों का डिफरेंस। रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। समझिए, अगर आप बहुत तेज़ी से चल के आ रहे हैं मेरी तरफ और मैं स्लो स्लो आ रहा हूँ तो आपका स्पीड ज़्यादा है, मेरा स्पीड कम है, तो आप मुझको जब पुश करेंगे तो मैं हो सकता हूँ रुक जाऊँ, पीछे चला जाऊँ, आप थोड़ा सा मूव करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट स्पीड उसी की, देखो ज़्यादा रिजल्टेंट स्पीड मतलब कि जो सब्ट्रैक्ट करना है दोनों का डिफरेंस। और डिफरेंस कब करेंगे, बड़े में से छोटे को करेंगे, आपकी ज़्यादा है मेरी कम है तो आप में से अपने को माइनस करेंगे, अगर मेरी ज़्यादा है तो मेरे में से आपको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट स्पीड आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। तो डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड होता है वो एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर माना जाएगा। अगर यहाँ पे अगर बोट की स्पीड को एक्स माने और करंट की स्पीड को वाई माने, तब डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड आता है वो एक्स प्लस वाई होता है। और अगर बोट की स्पीड एक्स माने और करंट की स्पीड वाई माने, तो जो हमारा ये अप स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड होता है वो होता है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे और इस सिंपल से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि अप स्ट्रीम, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं कि अप स्ट्रीम मतलब बोलेंगे सेम डायरेक्शन, क्योंकि अप लगा है, अप मतलब उनको लगेगा स्पीड इंक्रीज हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट, जब अप लगे आपको तो अपोजिट, डाउन लगे तो सेम, डाउन लगे तो सेम, अप लगे तो अपोजिट हो गया। डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन, अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन। डाउन स्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड ऐड होता है और अप स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। समझ में आया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ ए रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ ए करंट। तो हम लोग मानेंगे क्या, लेट द स्पीड ऑफ ए बोट। अब देखिए हम लोग पहले बोट की स्पीड मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ ए, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ ए बोट, स्पीड ऑफ बोट और इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर मतलब कि जब पानी शांत है तब स्पीड, ऐसा नहीं कि हम लोग बोट की स्पीड निकाल लिए और जब पानी बह रहा है, जब पानी फ्लो हो रहा है उस टाइम पे स्पीड निकालेंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा ना। तो स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, एंड क्या हो जाएगा, वाई बी द स्पीड ऑफ करेंट, एंड वाई बी द स्पीड ऑफ करेंट, तो ये हो जाएगा। समझ में आया। तो अप स्ट्रीम हम लोग स्पीड निकाल लेंगे और डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम लोग निकाल लेंगे। तो अप स्ट्रीम की ही अप स्ट्रीम की बात आएगी तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड अप स्ट्रीम और स्पीड डाउन स्ट्रीम। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड अपस्ट्रीम, और फिर अगर देखिए अपस्ट्रीम मतलब क्या बोले, अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन, अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन। तो जो अपस्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड निकालेंगे डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, x प्लस वाई, और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हो गया, यानी अप स्ट्रीम की स्पीड इतनी आ गई और डाउन स्ट्रीम की स्पीड इतनी आ गई। तो यहाँ पे दिया रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब ये बात हो रही है,
डाउन स्ट्रीम में स्पीड इतना है, और एक हमको ये भी फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। अब देखिए एज पर कंडीशन देखा जाए, या फिर व्हेन रितु रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, जब वो रो करती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइम टेकन ओवर, टाइम टेकन टू कवर, टाइम नहीं, टाइम टेकन नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्पीड। देखिए ये हमारा स्पीड है कहाँ का, डाउन स्ट्रीम का, और ये डिस्टेंस है, और ये क्या है, टाइम है ना। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ वो स्पीड, हाँ स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड का तो फॉर्मूला वही हो गया। चलिए एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन देखते हैं, एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन, तो एज पर कंडीशन यही है कि डाउन स्ट्रीम में रितु रो करती है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अब कोई पूछ ले, कोई गाड़ी अगर 20 किलोमीटर 2 आवर में जाती है तो उस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 20/2, 20 किलोमीटर गई 2 आवर में, तो इस डिस्टेंस, वो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा 20/2। और जो हमारा स्पीड कंसीडर किया गया है वो क्या है, अप एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में कितना कंसीडर किया गया है, एक्स प्लस वाई, तो यही एक्स प्लस वाई जो है, यही एक्स प्लस वाई क्या होगा, इक्वल टू डिस्टेंस कितना आ गया 20, और कितना टाइम लगा 2 लगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया, x प्लस वाई क्या है, स्पीड, 20/2 भी क्या है, स्पीड, और x प्लस वाई इसी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, और 20/2 इसी डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात कर रहा है, तो दोनों स्पीड आपस में इक्वल, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। एंड फिर देखते हैं एंड क्या हो जाएगा दूसरा, अब यहाँ पे सेकेंड बोला है एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाता है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अगर कोई गाड़ी 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा, तो उसका स्पीड कितना होगा बताइए, उसका स्पीड कितना होगा, 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी मानी गई है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4/2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2, तो दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहला कितना था x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2। अब दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इलामिनेट होगा, एक प्लस में एक y माइनस में है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता, एक प्लस में है एक माइनस में, तो इलामिनेट हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 10, 2 कितना हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू 6 आई, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब रखेंगे तो 4 आ जाएगी, यानी x क्या है, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और y क्या है करंट की स्पीड, और करंट की स्पीड कितनी आई है 4 किलोमीटर पर आवर आई है। समझ में आया, ये हो गया, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, दिया है, आप लोग रीड करेंगे इसको, दिया है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर, मतलब 2 वुमेन और 5 मैन साथ में मिल करके एक कार्य, एक वर्क को कितने दिन में करते हैं, 4 डेज में, यानी कोई काम है उसमें 2 वुमेन है और 5 मैन है, वो सब मिल के काम को करते हैं, और कितने दिन में करते हैं, 4 डेज में करते हैं, जबकि वाइल 3 वुमेन, जबकि 3 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, जबकि 3 वुमेन और 5 मैन क्या करते हैं, उसी काम को 3 दिन में कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वुमेन और 5 मैन थे, और सेकंड वाले केस में 3 वुमेन एंड 5 मैन है, और वो 3 डेज में करते हैं, और पहले वाले केस में कितने डेज में करते हैं, 4 डेज में करते हैं, यानी पहले वाले केस में 2 वुमेन 5 मैन मिल के 4 डेज में काम को कम्प्लीट करते हैं, और सेकेंड में कि उसी काम को 3 वुमेन और 5 मैन मिल के कितने दिन में करते हैं,
थ्री डेज में करते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाई वन वुमैन, हमको ये बताइए टाइम टेकन बाई वन वुमैन एलोन टू द फिनिश द वर्क, तो ये बताइए कि एक अकेली वुमैन को काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। अभी तो काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, पहले में कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 to 7 लोग वर्क कर रहे हैं, सेकेंड केस में 8 लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये बताइए अगर उसी काम को एक वुमैन अकेले करेगी तो कितने दिन में कर पाएगी। एंड दिया है एंड आल्सो दैट टेकन बाई वन मैन एलोन, अगर एक आदमी अकेले उसी काम को करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पे, समझते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग मानते हैं कि लेट एक्स वो क्या हो जाएगा, मतलब जो वुमेन है, वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। हम लोग ये मानते हैं कि जो वुमेन एलोन, वुमेन एलोन कैन फिनिश द वर्क इन ए एक्स डेज मानते हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट वन वुमेन, लेट वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। हम लोग ये मानते हैं कि जो एक वुमेन है वो अकेले पूरे काम को एक्स डेज में फिनिश कर सकती है। और हम लोग फिर मानेंगे ना, एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क इन वाई डेज। हम लोग कितना मानते हैं, वाई डेज मानते हैं ना, ये हो गया। अब देखिए अगर एक वुमैन, एक वुमैन अगर एक महिला एक काम को करने में एक्स डेज लगाती है, ये समझिए अगर एक बच्चा है 10 रोटी खाने में 5 दिन लगाता है, 10 रोटी 5 दिन में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 2 खाएगा। अरे देखिए 10 रोटी खाने में 5 दिन लगता है तो अगर देखा जाए तो एक दिन में 2 ही खा रहा है, ऐसे करेंगे ना। देखिए अगर यहाँ पे समझिए, तो एक बच्चा है वो 10 ब्रेड खाता है, 10 ब्रेड खाता है वो, 10 ब्रेड खाता है और 10 डेज टाइम लगता है, 5 डेज का टाइम लगता है, 5 डेज का टाइम लगता है, तो बताइए कि एक दिन में वो कितना खाएगा। 10 ब्रेड 5 डेज में खाता है तो 1 डेज में कितना खाएगा, 1 डे में क्या करेंगे, 10/5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहीं पे हम लोग ये भी देखते हैं कि वन वुमैन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, अगर एक वुमैन उस काम को एक्स दिन में फिनिश करती है तो 1 डे में कितना करेगी, 1 वुमैन 1 डे वर्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 वुमैन 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। देखिए पूरा काम करने में उसको x दिन लगता है तो एक दिन में कितना करेगा, वो 1/x हो जाएगा। अब वन मैन का भी निकालते हैं, वन डे वर्क, वन डे वर्क, तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो वन डे का ये आ गया और ये आ गया। अब फिर एज पर कंडीशन देखते हैं, एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन, अभी कंडीशन क्या है वो देखिए। अब दिया है टू वुमेन, एक वुमेन का जो एक दिन का वर्क कितना है, 1/x, तो टू वुमेन का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, 2/x, तो कितना आ जाएगा, 2/x, और टुगेदर है 5 मैन, तो एक मैन का वन डे का वर्क कितना है, 1/y, तो 5 मैन का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, 5/y, और इक्वल टू देखिए 2/x क्या है, 2 वुमेन का वन डे का वर्क, 5/y क्या है, 5 मैन का वन डे का वर्क, तो ये सब वन डे का वर्क आ रहा है। और ये दोनों साथ में मिल करके, देखिए 2 वुमेन और 5 मैन मिल करके काम को कितने दिन में करते हैं, 4 डेज में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4, क्योंकि सब एक एक दिन का है ना, तो काम 4 डेज में हो रहा है तो 1 डेज में कितना हो जाएगा, 1/4, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा,
फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आया, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड देखते हैं और क्या है, वाइल थ्री वुमेन, एक वन वुमेन का वन डे का वर्क वन अपॉन एक्स है, तो थ्री वुमेन का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, थ्री वन अपॉन एक्स इंटू थ्री करेंगे यानी थ्री अपॉन में एक्स आ जाएगा, थ्री अपॉन में एक्स, और मैन कितने थे, फाइव थे, और काम पूरा कंप्लीट कितने दिन में हुआ, थ्री डेज में, तो वन डेज में कितना वर्क होगा, वन अपॉन थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन थ्री आ जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो हम लोग कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे, लेट करते हैं, वन अपॉन एक्स इक्वल टू एम मानिए और वन अपॉन वाई इक्वल टू एन करिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये टू एम हो जाएगा और प्लस थ्री ये फाइव है, फाइव एन इक्वल टू फोर, वन अपॉन फोर है जी, वन अपॉन में फोर हो जाएगा और थ्री अपॉन की ये थ्री एम हो जाएगा और प्लस फाइव एन इक्वल टू वन अपॉन में थ्री। अब सॉल्व करते हैं तो माइनस 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 ये कट जाएगा, टू एम में से थ्री एम जाएगा, तो माइनस एम इक्वल टू वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन में थ्री, और फोर थ्री का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ट्वेल्व, थ्री वन जा थ्री माइनस फोर करेंगे तो आएगा माइनस वन अपॉन में ट्वेल्व, और यहाँ पे माइनस एम है, माइनस माइनस कैंसिल, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन में ट्वेल्व आ जाएगा। और जब एम की वैल्यू मिल जाएगी तो किसी भी इक्वेशन में रख करके आप लोग एन की वैल्यू निकालेंगे, और मान लीजिए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए एम की वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री वन अपॉन में ट्वेल्व प्लस फाइव एन इक्वल टू वन अपॉन में थ्री, ये हो जाएगा फोर जा, तो वन अपॉन फोर प्लस फाइव एन इक्वल टू वन अपॉन में थ्री, ये उधर जाएगा तो फाइव एन इक्वल टू वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन में फोर, एल सी एम लेंगे तो ट्वेल्व ही आएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व और ये फोर और माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा वन आ जाएगा, सही है, वन सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ गया फाइव एन इक्वल टू वन अपॉन में ट्वेल्व और फाइव का डिवाइड करेंगे तो ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी आ गया, सिक्सटी। अब देखिए यहाँ पे m क्या है, m अभी m n आ गया आपका, और m किसको माना गया था, वन अपॉन एक्स को, तो वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन ट्वेल्व, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वेल्व। x क्या था, फिनिश द वर्क इन x डेज, मतलब एक वुमेन उस काम को अकेले ट्वेल्व डेज में फिनिश कर लेगी, और फिर मैन का देखते हैं तो ये था वन अपॉन y इक्वल टू वन अपॉन में सिक्सटीन, 60, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60, यानी एक मैन अकेले उस काम को 60 डे में कंप्लीट करेगा, यानी मैन जो है बहुत स्लो काम करता है, तो वन सेकेंड, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, वन सेकेंड, अच्छा यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे हम लोग जो वो फाइव मैन लेके चले हैं सेकंड में ना, वहाँ पे सिक्स है, क्वेश्चन राइट करने में मिस्टेक हो गया, लेकिन सॉल्व हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तो आप लोग जहाँ पे थ्री वुमेन एंड यहाँ पे सिक्स मैन लिख लेंगे, और सिक्स मैन लेके इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, कुछ भी नहीं चेंज करना है, बस वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया है, फाइव की जगह पे सिक्स रहना था और फाइव हो गया, तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने बोर्ड पे है, दिया है रूही ट्रैवल करती है, कितना ट्रैवल करती है, 300 किलोमीटर। देखिए रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम, वो अपने घर जाती है, मतलब ट्रैवल करके अपने घर जाती है, और पार्टली बाय ट्रेन, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है। देखिए रूही है 300 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने घर पे जाती है और कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है। दिया है सी टेक, उसको लगता है फोर हावर, उसको लगता है फोर हावर इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस, ना रिमेनिंग बाय बस। अब देखिए वो टोटल ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर,
अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करेगी तो कितना बस से करना पड़ेगा, 240 किलोमीटर। अरे देखिए पूरा डिस्टेंस था 300 और 300 में अगर 60 ट्रेन से जाएगी तो जितना बचेगा बस से ही जाएगी, तो 300 में से अगर 60 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। यानी कि 60 किलोमीटर बस ट्रेन से जाने में और 240 किलोमीटर बस से जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर लगता है। ठीक, फिर दिया है सी ट्रैवल, अगर वो ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है एंड रिमेनिंग बाई बस, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो बस से कितना जाएगी, 200 किलोमीटर, बस से कितना जाएगी, 200 किलोमीटर। सी टेक 10 मीटर लॉन्गर, और ऐसा करने पे उसको पहुंचने में 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है, पहले 4 घंटे लगते थे, अगर अब करती 100 बस ट्रेन से जाती है, 200 बस से जाती है तो उसको 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी 4 आवर 10 मिनट टाइम लगता है पहुंचने में। समझ में आया, तो चलिए दोनों केस को हम लोग देखते हैं, दो फिगर समझाते हैं आपको। यहाँ समझिए, यहाँ पहुँची और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हो गया ना। और फिर एक फिगर और देखिए, ये ऊपर ये भी है 300 किलोमीटर, दोनों केस का फिगर बनाया गया है तो यहाँ पे आ गया। यानी रूही ए से बी पे जाती है और ये भी ए से बी ही है, ए से बी पे जाती है। तो पहले केस में रूही कितना डिस्टेंस जाती है, 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो समझिए ए से लेकर सी तक आई, ए से लेकर के सी तक आई और ये डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, यानी इतना डिस्टेंस वो ट्रेन से गई और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 240 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस वो बस से गई। समझ में आया। और सेकेंड केस में क्या है, वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जाती है तो ये हो गया 100 किलोमीटर, ये हो गया 100 किलोमीटर वो ट्रेन से, और बाकी जो डिस्टेंस बचा यानी 200 रह गया, तो 200 किलोमीटर किससे हो जाएगा, बस से हो जाएगा। अब देखिए रूही को इस केस में ए से लेकर के बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 4 आवर, कितना टाइम लगता है, 4 आवर लगता है। और इस केस में रूही को ए से लेकर के बी तक पहुँचने में 4 आवर + 10 मिनट लगता है, 4 आवर + 10 मिनट लगता है। समझ में आया, 4 आवर + कितना हो गया, 10 मिनट लगता है। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड होगी वो कुछ और होगी और जो बस की स्पीड होगी वो कुछ और होगी, तो हम लोग मानते हैं, हम लोग लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, लेट एक्स किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन और वाई किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस। तो ये बस की स्पीड हो गई, मतलब एक्स क्या है, ट्रेन की स्पीड है, और वाई क्या है, बस की स्पीड है। अब देखिए जब ट्रेन से वो 60 किलोमीटर जाता है तो टाइम कितना लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। हाँ, अगर 60 किलोमीटर जाएगा, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर, अगर वो एक्स किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए टाइम लगा T1, ए से सी तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो समझ लीजिए क्या लगा, T1, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस कितना गया ट्रेन से, 60, तो डिस्टेंस हो गया 60 और स्पीड कितना था ट्रेन की, एक्स थी, तो 60 किलोमीटर जाने में उसको T1 टाइम लगता है, इतना टाइम लग जाता है। अब देखिए 240 किलोमीटर वो किससे जा रही है, बस से जा रही है, बस से जा रही है ना, और बस की स्पीड कितनी है, वाई किलोमीटर पर हावर। तो बस से 240 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए T2 लगा, और ये कितना आएगा, 240 अपॉन में वाई ना, इतना टाइम इससे लगा, इतना टाइम इससे लगा, और दोनों के टाइम को ऐड करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर, कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर लग रहा है। तो ये हो गया, समझ में आया, ये इस तरीके से आ गया। अब सेकेंड केस को देखिए, यहाँ पे सी है, तो ए से सी जाने में, ए से सी कितना डिस्टेंस जाती है, 100 किलोमीटर, और ए से सी कहाँ जाती है, पहले ट्रेन से जाती है, तो
तो ट्रेन से जाने में मान लीजिए टाइम कितना लगा, T1 लगा, यहाँ पे टाइम कितना लगा, T1 बार कर लीजिए, ऐसे T1 बार कर लीजिए, थोड़ा डिफरेंट तो होना चाहिए ना, यहाँ पे T1 T2 कर ले, यहाँ पे चाहे तो ऐसे कर ले T1, और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना लगेगा 100, और ट्रेन की स्पीड x थी, तो ये हो गया 100 किलोमीटर जाने में x स्पीड से T1 टाइम लगता है। और इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ये टाइम समझिए T2 लगा, 200 किलोमीटर बस से गई और बस की स्पीड कितनी है y, तो ये आ गया टाइम T2, और इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो 4 आवर कितना आएगा, 10 मिनट, 4 आवर कितना आ जाएगा, 10 मिनट। अब देखिए ये 4 आवर 10 मिनट है, अगर पूरा हावर में कन्वर्ट हो जाए ना, पूरे को हावर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, देखिए अगर 10 मिनट को हावर्स में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 10/60, कितना हो जाएगा 10/60 हो जाएगा, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/6 आवर, कितना हो जाएगा 1/6 आवर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 आवर। तो इसको लिख सकते हैं 4+1/6, और ये हो गया हावर, 6×4=24, और ये हो गया 25/6 आवर हो गया, समझ में आया, तो ये टाइम आ गया। अब एज पर कंडीशन देखते हैं, जैसा कंडीशन है, एज पर कंडीशन, गिवन कंडीशन, तो पहला कंडीशन है कि इन दोनों टाइम को ऐड करते हैं तो टाइम कितना आता है, इक्वल टू 4 आवर, ये टाइम और ये टाइम को मिलाएंगे तो 4 आवर दिया है, तो 60/x और प्लस 240/y इक्वल टू कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा पहला इक्वेशन आपका, क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एंड फिर क्या है, ये टाइम कितना है 100/x, तो ये हो जाएगा 100/x और प्लस 200/y, और टाइम कितना लग रहा है 25/6 आवर लग रहा है, तो 25/6 आवर लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके सॉल्व करना है। देखिए अगर कंसीडर कर लिया जाए, लेट एक्स वो 1/x इक्वल टू m मान लिया जाए और 1/y इक्वल टू n मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60m प्लस 240n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और सेकेंड कितना हो जाएगा 100x यानी 100m और प्लस 200n इक्वल टू 25/6 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे हम लोग का रिजल्ट कितना आएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो तब आपको m की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/60, जब सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू कितना मिलेगा 1/60, और n इक्वल टू कितना मिल जाएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, कि जो n की वैल्यू है वो 1/80 आ जाएगा, 1/80 आ जाएगा, और m किसको माना गया था 1/x को, तो m की जगह पे 1/x रखेंगे तो 1/x इक्वल टू 1/60, तो x इक्वल टू 60 आ जाएगा, और y इक्वल टू ऐसे कितना आ जाएगा 80, यानी ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर है, तो आप लोग इसको कर लेंगे, आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये एक्सरसाइज लास्ट था 3.6, इसके बाद से जो लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन वो जो आपको वीडियो मिलेंगे वो साइड से क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी रहेंगे, और हर एक टॉपिक का, जैसे यहाँ पे ना बस वगैरह पे आ गया, स्पीड टाइम पे आ गया, तो अगर स्पीड टाइम पे क्वेश्चन बताएंगे तो हर क्वेश्चन उसी पे बताएंगे, 5-6-10 क्वेश्चन उसी पे बताएंगे, एज पे बताएंगे तो एज पे ही 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन से ही बताया जाएगा, कि आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से क्वेश्चन करना आ जाए, तो इस तरीके से बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।